सो आज के लिए ना एक बहुत इंटरेस्टिंग गेमिंग फैक्ट है, लेकिन वो मेरे बारे में है। तो GTA 5 बहुत लोगों ने खेला है, मैं भी आई थिंक पिछले 7 साल से खेलते आ रहा हूँ, मैं बहुत बार बता चुका हूँ ये चीज। लेकिन क्या तुम लोगों को मालूम है, मैंने पहली बार GTA 5 खरीदा था Xbox 360 पे, जब पहली बार 2013 या जब भी वो गेम आया था, 15 याद भी नहीं आ रहा। उसके बाद फिर मैंने वो गेम PC पे भी वापस खरीदा। तो आई एम अ वेरी बिग GTA 5 फैन, और यही थी आज की इंटरेस्टिंग फैक्ट। लेट्स गेट टू द पॉडकास्ट। कैसे हो? रात के 8:30 बजे खाना वाना खाया क्या? नहीं नहीं इतना जल्दी नहीं, हम लोग तो लेट खाते हैं 10 बजे अराउंड। अच्छा ओके, तो सुबह क्या खाया खाने में? ये एकदम कैजुअल पॉडकास्ट है, मैं ऐसी सवाल पूछने वाला हूं, ऐसा कुछ इंटेंस सवाल नहीं होने वाला कि डूड YouTube में तू क्या करता है, ये कैसा तेरा स्ट्रेटजी क्या है, कुछ नहीं। खाना क्या खाया? मैं तो वही प्रिपेयर करके आया था आंसर, ये सब क्या भी याद नहीं आ रहा क्या सब्जी खाया। यू नो एज अ क्रिएटर आई फील लाइक ये सब बोलने वाले। हां नहीं एकदम, खाने में क्या खाया, वो क्या शक्कर नहीं सॉरी क्या नमक वगैरह ठीक है क्या, वो सब पूछने का इसमें। आज नमक ज्यादा था, कुछ पास्ता बनाया था अभी। अरे मैंने भी पास्ता खाया अभी नाश्ता में, पास्ता खाया मैंने अभी। कौन सा? व्हाइट पास्ता। सेम। अरे अभी उधर तेरा भी तो वो है ना मैक एंड चीज। मेरा फेवरेट मैक एंड चीज मुझे बहुत पसंद है। अरे बट यू नो इन पास्ता आल्सो लाइक देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स, ये मुझे नहीं मालूम था। वैसे मेन्यू कार्ड में लिखते हैं पेने पेनी जो भी लिखते हैं वो पास्ता, वो पास्ता का जो शेप होता है ना उसका अलग अलग नाम है। वही वही मुझे वो जो स्पाइरल वाला होता है ना फुसीली वो पसंद है, उसका नाम भी क्या फुसीली ये सब चीज़। हाँ स्पाइरल वाला, स्पाइरल एक होता है एक ऐसा वाला होता है, तो ये सब चीजों में थोड़ा सा कच्चा हूँ बिकॉज ये जो है ना मतलब इवन व्हेन आई गो टू स्टारबक्स एंड ऑल मेरे को कुछ नहीं समझता। सच बताऊँ मेरे को तो इतना ऑकवर्ड होता है, मैं उनको कोई भी कॉफी बोलने के बाद बोलता हूँ कि इसमें दूध होता है ना। क्योंकि समझते नहीं कि ये कॉफी में दूध होने वाला है, शक्कर होने वाला है क्या। वो ग्लासेस के नाम भी ना वहाँ पे टॉल और बेंटी ग्रांडे सब समझ नहीं आता क्या, स्मॉल लार्ज बोलो ना सीधा ये सब क्या। वही वो भी, और इवन इन सबवे व्हेन आई गो ना मैं उधर खड़ा रहता हूँ, क्या डालू इसको, बोलू क्या ये डालने के लिए। क्योंकि मैं पर्सनली सबवे में क्या प्रेफर करता हूँ, ब्रेड लेने का उसके अंदर जो भी चिकन या फिर वेज में जो भी होता है वो डाल के दो, और थोड़ा सा मुझे दे दो कैप्सिकम वगैरह अगर थोड़ा सा होगा, अनियन दे दो। इतना मुझे ऑकवर्ड होता है ना सबवे में बिकॉज ही आस्क्स मी कि आपको ये चाहिए क्या, मतलब पिकल चाहिए क्या, मैं बोलता नहीं चाहिए। वो मुझे पूछता है आपको टमाटो चाहिए क्या, नहीं चाहिए। वो मुझे पूछता है और क्या क्या होता है, वो क्या क्या होता है, और कौन होता है, नहीं अनियन होता है, कुकुम्बर होता है। कुकुम्बर चाहिए क्या, मैं बोलता हूँ नहीं चाहिए। फिर वो मेरे को हमेशा पीनो होता है। मैं तो बोल रहा हूँ मैं जिंदगी में प्रोबेबली 6 या 7 बार सबवे गया हूँ, और हर बार वो बंदा मुझे ऐसे लुक देता है कि भाई ये सबवे में आया है खाने को आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको कुछ भी नहीं चाहिए। ऊपर से सबवे जब खुद के लिए ऑर्डर करता है तो बहुत ही गंदा ही बनता है, एटलीस्ट मेरे से। जब कोई और मेरे लिए ऑर्डर करता है पूछती हूँ इतना अच्छा कैसे, भाई क्या डालते हो तुम इसके अंदर। हाँ वो कोई एक्सपीरियंस बंदे को भेजो तो फिर सही है, वरना खुद से तो हमसे नहीं बनने वाला। अभी तो तुझे आता है सबवे में ऑर्डर करना? नहीं मैं उनका वो सेट ही खा लेता हूँ, उनका सेट रहता ना ये चिकन सब। हाँ 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 जो भी है उसमें चलेगा। मैं 7 बार गया हूँ पूरे लाइफ में, उसमें से आई थिंक 2-3 बार मैंने यही बोला उनको कि बनाओ जो बनाना है, मुझे कुछ नहीं समझता। कुछ लोग पसंद नहीं हो वैसे भी बाद में निकाल ही दूंगा तो चलता है। बेस्ट मोमेंट ये था मेरे लिए जब मैं अभी लास्ट टाइम जब मैं सबवे गया था प्रोबेबली 1.5 साल पहले, तो सबवे का जो बंदा था उसने मेरे को पहचाना था। मतलब बहुत ऐसे औकात के बाहर टाइप लाइफ में फर्स्ट टाइम जा रही थी वहाँ पे, एंड जब मैं वहाँ पे बैठी तो हम फैमिली में किसी का बर्थडे था उसके लिए गए थे। सो पूरा हाईलाइट था कि वो जो पर्सन है उसका बर्थडे, एंड दैट वाज द होल ओकेजन। एंड जब हो रहा था ना खत्म हो रहा था तब रेस्टोरेंट का मैनेजर आता है, कहता है मुझे पता है आप लोग कौन हो और हमारी तरफ से आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री डेजर्ट, एंड दे गिव अ ह्यूज प्लेट ऑफ डेजर्ट और उसमें ऐसा स्ले पॉइंट वगैरह लिखा हुआ था। और मैं देख रही हूँ यहाँ पे अभ्युदय नहीं है, बर्थडे किसी और का है तो उसमें हैप्पी बर्थडे सब लिखवाना था, वो नहीं आया, स्ले पॉइंट लिख के आ गया बेचारे, वो बर्थडे वाले का पूरा शाइन चला। जो शोरूम में मैं गया था ना वहाँ का जो मेन हेड है ना, जो शोरूम का जो मेन ओनर है वो लास्ट देखो गाय टोल्ड मी, मतलब जो बंदा सेल्स का जो गाय था ही टोल्ड मी कि अब तक सर कभी भी किसी के लिए नहीं आए हैं गाड़ी के डिलीवरी के लिए, वो चाबी देते हैं ना
ये फर्स्ट टाइम हुआ कि सर आए हैं गाड़ी का चाबी दे रहे, वो बड़ा वाला चाबी देते हैं उसके लिए. सो वो दैट गाय प्लेज लाइक पबजी एंड ऑल दैट, सो ही नोज लाइक ऑल द स्ट्रीमर्स एंड गेमर्स, द मेन गाय इन द शोरूम, द डायरेक्टर. क्रेजी मोमेंट था, मतलब गाड़ी के लिए भी कांग्रेट सर इसके लिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. मेरे को घूमने का नहीं लगता ऐसे सिचुएशंस में. नहीं मतलब हम लोग एक बार ऐसे कुछ तो फ्लैट देखने गए थे एंड वहाँ पे किसी ने हमें पहचान लिया था, तो हमें बहुत ऑकवर्ड लग रहा था कि ये पता नहीं क्या जज कर रहा है कि हमारे बजट कितना है, हम कितना कमाते हैं. फिर वो उस हिसाब से ही फिर दिखा रहे थे फ्लैट्स की, छोटा वाला लो या बड़ा वाला लो, तो वो थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है एटलीस्ट मेरे लिए. तुम लोग को पसंद है लोग पहचानते कि नहीं? डिपेंड्स एक्चुअली, एक तो मूड के ऊपर होता है. कभी कभी ऐसा होता है ना आप बहुत जल्दी में हो या बहुत मूड खराब है, सड़ा हुआ मूड है, तभी कोई आता है तो ऐसे एकदम से यू नो रोने से एकदम स्माइल करना पड़ता है ना, तब नहीं जमता. गाइज मेरा पूरा उल्टा है. मैं ऐसा वो मिटपैट का मास्क पहन के बाहर जाता हूँ, जो भी बंदा दिखता है ना, जो से मुझे लगता है कि ये वीडियो शायद देखता होगा, बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ व्हाटएवर 14 to 21, उसकी तरफ मैं खुद देखता हूँ कि हाँ पहचान रहा है क्या, पहचान रहा है क्या. कभी कभी पहचानते कभी नहीं पहचानते. वैलिडेशन की भूख. कितना वैलिड भाई, 9 मिलियन हो गया, अभी भी तू मिल के वैलिडेशन मांग रहा है लोग. अरे बट द थिंग इज, मेरा जो 9 मिलियन हुआ वो कोविड के टाइम पे हुआ ना, लाइक पैंडेमिक के टाइम पे हुआ. सो मोस्ट ऑफ टाइम घर पे ही था. डूड तेरे को मालूम है एक चीज, एक बहुत बड़ा टॉय शॉप है एक मॉल में, कुर्ला में एक मॉल है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा टॉय शॉप है. सो बहुत पहले की बात है, ये 500 के सब्सक्राइबर्स या कुछ होंगे या फिर 1 मिलियन 2 मिलियन जितने भी होंगे, तो मुझे लगा कि भाई मैं यहाँ पे जाऊंगा ना सब लोग मेरे को पहचानेंगे. गेस व्हाट, मैं अंदर गया किसी को नहीं पहचाना. कोई एक भी बच्चा नहीं देख रहा यार. ऐसा हुआ हुआ है भाई, एक और कोई यूट्यूबर के साथ हम बाहर जा रहे थे, वो बोल रहा था लेट्स नॉट गो आउटसाइड, हम लोग मॉब हो जाएंगे, इट्स नॉट पॉसिबल टू गो फॉर डिनर प्लीज. और जैसे ही बाहर गए ब्रो, उसका मैनेजर भी हमें भी बोल रहा था कि गाइस तुम लोग मत जाओ, क्या पता पूरी भीड़ हो जाए, मॉल बंद हो जाए, और क्या क्या बोल रहा था वो. और हम गए और एक आदमी ने नहीं पहचाना हमें, एक आदमी ने देखा भाई हमें. सो ये चीज के बारे में मुझे बोलना था कि तुम लोग को मालूम है कि फर्स्ट टाइम जब मैं प्रणव से, प्रणव इज बाय द वे माय मैनेजर गाइस जो भी सुन रहा है, सो हमारा मैनेजर क्या बोल रहा हूँ. सो प्रणव इज आर मैनेजर एंड मैं फर्स्ट टाइम प्रणव से मिला था, तभी हम लोग बैठे थे एंड उसने मुझे वही कहा था कि स्लीप पॉइंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द टीम. फर्स्ट टाइम जब मैं मिला था तभी एंड वो मुझे बोला तुझे स्लीप पॉइंट से क्या, आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे और समथिंग, इज लाइक तुझे स्लीप पॉइंट से संडे को मिलना है क्या. सच्चे मैंने दिया, अभी मैं क्यों बता रहा हूँ ये भी बोल रहा हूँ कि स्लीप पॉइंट व्हाट, स्लीप पॉइंट से मिलने को मिलेगा संडे. फिर मैंने मेरे दोस्तों को ही बोला कि मेरे को स्लीप पॉइंट से शायद मिलने को मिल सकता है संडे को. एंड अभी कैसे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं हम तीनों, सो अभी वो ऐसा लगता नहीं है, बट तभी उस टाइम पे आई लाइक व्हाट स्लीप. एंड डू यू रिमेंबर द फर्स्ट टाइम प्रणव एडेड अस टू अ कॉमन ग्रुप, जो अभी भी ग्रुप एक्टिव है, उसमें भी पहला अभ्युदय का पहला मैसेज आया, मैं दोस्तों को बोला डूड अभ्युदय का नंबर मिल गया डूड, ऐसे रिएक्शन. इतना ये नहीं है यार. एंड तूने मतलब मिलके तो देख ही लिया होगा, आई थिंक हम लोग कुछ ज्यादा ही चिल रहते हैं, बहुत चिल है. दैट्स व्हाई आई हैव दैट कंफर्ट जोन विद फ्यू यूट्यूबर्स, यू गाइस आर पार्ट ऑफ दैट, इट्स अ गुड थिंग. एंड एक्चुअली तुझे नंबर मिला, मेरा भी फायदा हुआ तेरे नंबर से, क्योंकि अगर तेरे को याद है स्लीप ऑफ स्टार्ट करने से पहले मैं तेरे से एडवाइस ले रहा था कि गेम प्ले रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, जीटीए चलता है क्या. वो फर्स्ट कन्वर्सेशन नहीं था हमारा, जब तेरे को याद है मैंने वो मिथिला का मेकअप किया था, तभी मैं अभी तक ज्यादा बात भी नहीं करता था तभी, बट मैंने डायरेक्टली इसको वीडियो कॉल कर दिया और इसने फोन उठाया. गंदी हालत में भाई, रात को डार्क सर्कल, दाढ़ी वाड़ी आ रखी, लाइट वाइट भी बंदी रूप थी, एंड उसने फोन उठाया डाल दिया यार वीडियो में. दैट इज द फर्स्ट टाइम आल्सो कॉल्ड श्लोक, टेक बंदर को भी तभी रैंडमली कॉल किया मैंने रिएक्शंस के लिए. मुझे उसके बाद अभिजय ने कॉल किया, यार ये मिट्टा क्या पागल है, उसने एकदम से ऐसे लड़की के गेटअप में आया था, उसने मुझे कॉल किया अभी जस्ट, क्या हुआ मेरे साथ, मुझे क्या क्रेजी था वो. क्या करता रहता यार ये. रियल लाइफ में तुम लोग के दोस्तों का कैसे सीन है, मतलब डू यू स्टिल हैंग आउट विद योर ओल्ड कॉलेज फ्रेंड्स एंड ऑल, की कैसा है? आई थिंक कॉलेज फ्रेंड्स के साथ उतना हैंग आउट नहीं हो पाता क्योंकि वो सब अपने अपने करियर में बिजी हो गए हैं, बट स्कूल फ्रेंड्स से अभी भी हम टच में. आई डोंट नो स्कूल फ्रेंड्स, जबकि मैं मुंबई के स्कूल में सिर्फ एक ही साल था और कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ मैं 5 साल था, बट मेरा कनेक्शन स्कूल फ्रेंड्स के साथ ही अभी भी है. पता नहीं क्यों कुछ ऑकवर्ड सा है कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, बट हाँ इवन गौतमी का आई थिंक वो स्कूल फ्रेंड्स से ज्यादा मिलता है. सेम सेम, बहुत डीप कनेक्शन हो जाता है स्कूल फ्रेंड्स के साथ फॉर सम रीजन, वो कितने भी सालों बाद आप रीच आउट करो तो वो एक सेम लेवल पे ही बात होती है. कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ सब लोग ऐसे नहीं, कुछ लोग है जो बहुत जेलस वाइब्स देते हैं, जो अपने करियर को हमारे करियर से कंपेयर करते हैं या सोचते हैं कि उन्होंने डिग्री की है इसलिए उन्होंने ज्यादा मेहनत की है, और हम लोग सिर्फ यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं तो हम लोग तो बिल्कुल भी रिस्पेक्ट के लायक नहीं है, बट वो लोग की आई थिंक जेलस है इसीलिए सब कंपेंसेट करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, तो ऐसे नेगेटिव वाइब से तो दूर ही रहना चाहिए. हाउ डू योर फ्रेंड्स लाइक जो स्कूल के फ्रेंड्स है, आई थिंक अब तो बहुत कॉमन होने वाला है आंसर इसका, हाउ डू दे ट्रीट यू?
YouTube की बात तक नहीं होती यार आधे टाइम तो, विच इज व्हाट आई लाइक, मतलब इजी हो जाता है कि जोन आउट करना, एक अच्छा ब्रेक हो जाता है उनके साथ हैंग आउट करके, क्योंकि वो YouTube के बारे में ज्यादा जानना भी नहीं चाहते, नॉर्मल बातें ही होती है उनके साथ, तो वो सही रहता है बिल्कुल। वो लोग ने हमसे तब मिले ना जब हम लोग लिटरली कुछ भी नहीं थे यार, हम गधे बच्चे साथ में कुछ भी करते थे, तब से वो लोग हमें जानते हैं। कॉलेज फ्रेंड्स के सामने थोड़ा बहुत यूट्यूब करियर शुरू हुआ था, तो उनका देखने का व्यू अलग है, आई गेस दैट्स व्हाई आई कांट ब्लेम देम आल्सो। हाँ या बिकॉज जब तुम लोग के क्या 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, तभी आई थिंक मैंने तुम लोग का वो ग्रेजुएशन डे का फोटो वगैरह देखा था। यू नो मैं हमेशा सोचता ना, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं, मैं हमेशा सोचता हूँ ये चीज की जस्ट लाइक, क्योंकि कॉलेज में बहुत सारे प्रोफेसर वगैरह होते हैं जो कितना मतलब असाइनमेंट्स के लिए या फिर ऐसी रैंडमली टांग खींचते हैं हमारी, और तभी हम लोग कुछ नहीं बोल पाते, और ये थॉट मेरे मन में बहुत बार आता है कि अभी ऐसे मैं सोचता हूँ कि डूड यार उस टाइम अगर मेरे पास 9 मिल, मतलब तभी ना ये होता था ना कि शिट अभी इस एग्जाम में मुझे कुछ भी करके पास होना ही है, नहीं तो मुझे ये इंटरव्यू क्लियर करना ही है, जिस कॉलेज में जो डर रहता है व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग, लाइक आई एम जस्ट इमेजिनिंग दैट इफ दिस होल YouTube थिंग जो मेरे साथ हुआ 1 साल पहले होता था कॉलेज के टाइम पे, और तभी जब मेरे को प्रोफेसर ऐसे क्लास के बीच में उठाते थे कि तूने असाइनमेंट क्यों नहीं किया, हुआ है सबके साथ, हो गया मेरे साथ तो प्रोफेसर ने फाइल वाइल फेंक दिया मेरा, सो सबके साथ ऐसी चीजें होती है। अगर मेरे पास YouTube होता ना मैं कितना चिल्ड होता मालूम है कॉलेज में, फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, करो जो करना है। एक्चुअली मेरा पूरा उल्टा है, मेरा तो उल्टा है, आई एम हैप्पी कि कॉलेज टाइम पे नहीं हुआ, सो दैट मैंने पूरा नॉर्मल कॉलेज लाइफ एक्सपीरियंस किया जो हर बंदा एक्सपीरियंस करता, तो उसके वजह से कुछ चेंज नहीं हुआ कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं अलग ले रहा था, मुझे फिर भी अटेंड करना पड़ रहा था उतना ही जितना बाकियों ने किया, तो एक एक्सपीरियंस वाइज आई एम हैप्पी कि हमारा यूट्यूब पे ग्रोथ बहुत लेट हुआ, एंड स्पेशली गौतमी के लिए ट्रेन वेन में जाना, वहां अगर रोज लोग मिल रहे हैं तो थोड़ा अजीब हो जाता। काफी हमारा यूट्यूब का सक्सेस हो गया था, तो भी यू नो टीचर्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज करती थी, और हम पर एडिशनल प्रेशर ये था कि अगर हमने अभी कॉलेज में अच्छा नहीं किया तो घर वाले बोलते कि ये YouTube ही है जिसके वजह से तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, जो तुम्हारा इतना अच्छा पोटेंशियल है तुम YouTube की वजह से लूज कर रहे हो, तो YouTube छोड़ दो, और अगर YouTube में बुरा करते और सिर्फ कॉलेज में अच्छा करते तो बोलते कि कॉलेज इतना अच्छा कर रहे हो, YouTube ऐसे भी सक्सेसफुल नहीं है, प्लीज उसको छोड़ दो। तो हमारा दोनों हम लोगों को बहुत अच्छा करना इतना इंपॉर्टेंट हो गया था कि हम लोग पागल जैसे दोनों को बैलेंस करते थे, वरना एक छोड़ना पड़ता। बट आई थिंक फॉर अ व्हाइल इवन व्हेन यू आर सक्सेसफुल ऑन YouTube, यू आर सक्सेसफुल ऑन YouTube, तुम लोग के साथ ये हुआ है कि तुम लोग को अभी भी ऐसा लगता है कि YouTube is not the thing for you, am I right? Like तुम लोग ऐसा लगता रहता है कि job and तुम लोग को security के पीछे तुम लोग अभी भी भागते हो? Because I just sense something like that. Is it true? हाँ, financially उतना नहीं, but mentally मुझे लगता है कि यार ये इतना pressure, इतना anxiety कितने साल तक ले पाऊंगा? हाँ, तो ज्यादा नहीं यार, 5-6 साल करने का। पर सुन ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि मैंने जो मनाली में ब्लॉग बनाया था ना, उसमें मैं टेक बर्नर के पीछे ऐसे ही चल के आया था, ओके वो कैमरा लेके चल के आया था, और वो कैमरा में ना एक चीज रिकॉर्ड हुआ है, अभी तो है शायद टेक बर्नर को कान में बोल रहा है कि मेरे को जॉब चाहिए यार, वो व्लॉग तो देख मेरा वाला। तो ऐसे कुछ तो बोला है श्लोक को, अपना चैनल छोड़ के क्या बोल रहे हैं, जॉब चाहिए उसके पास नहीं, बट इन मतलब नहीं अब नहीं है, अब नहीं है, पहले था, पहले बहुत टाइम तक था, बट हाँ अब नहीं होता। बट अभी आई होप यू नो दैट यू आर इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस आउट देयर, जितना फ्रीडम इसमें है, मतलब कुछ भी अपने मर्जी का कर लो, किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बना दो, इतने लोग सुन रहे हैं आपकी बात, तो वही चीज है। अब इसके बाद फिर जॉब में जाना और फिर मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि आज ये कर, आज वो कर, नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है तू मेरा आइडिया कर, वो मेरे से हो ही नहीं पाएगा। हाँ, एंड अभी इसका मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स या स्टडी पढ़ा नहीं है, बट मोस्ट लॉट ऑफ किड्स नाउ वांट टू बिकम अ यूट्यूबर, व्हेन यू आस्क देम पहला क्वेश्चन कि तुम लोगों को क्या बनना है बड़ा होके, पहले एस्ट्रोनॉट वगैरह बोलते थे ना बचपन में हम लोग, स्पेशली गेमर बहुत लोगों को बनना है बचपन से। हाँ, सारे सबका यूट्यूब चैनल होता है, मेरे बिल्डिंग के बच्चे मेरे को मिलने आते हैं, फोटो वोटो खींचते हुए बोलते हैं आई हैव दिस यूट्यूब चैनल गेमर एक्स प्लेज। हाँ, एवरीबॉडी हैज सम एक्स वाई जेड गेमिंग और सम एक्स वाई जेड प्लेज एज देयर नेम, एंड सब लोग बोलते हैं छोटे छोटे होते हैं यार 7-8 साल के, भैया आप मेरे साथ कोलैब करो वगैरह वगैरह। हाँ। और उनके खुद के चैनल पे एक वीडियो डली भी नहीं होती अभी तक। सो सबको यूट्यूबर बनना है, सो दिस इज लाइक सच्ची में लाइक आई एम हैप्पी दैट गॉड गेव मी दिस चांस दैट आई एम इन दिस प्रोफेशन। या सम डेज इट इज हार्ड टू
बी थैंकफुल ऑल्सो कुछ कुछ दिन पे जब ऐसा होता है ना कि तुमको अपने मन का करना है बट कभी कभी ब्रांड्स की वजह से अगर आप नहीं कर पाते हो या आपको कुछ नया यही चीज ना एंग्जायटी की या कुछ नया ट्राई करना और ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी कितनी भी अंडरस्टैंडिंग ऑडियंस हो आपकी लेकिन कभी वो आता है क्वेश्चन कि करूँ कि नहीं तो वो सब टाइम में सब अपन ये सब भूल जाते हैं कि हमने कितना अचीव किया हमने कितने साल किया हमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है हम कितने सब्सक्राइबर पे पहुंच चुके हैं हम सब भूल जाते हैं उस सेकंड के लिए उस वीडियो के बारे में सोच के थोड़ा सा डर ही लगता है। मैं इस चीज के लिए तुम लोग के साथ बहुत रिलेट करता हूँ क्योंकि ये जो ब्रांड्स होते हैं ये जो एंग्जाइटी होती है अबाउट यूट्यूब एंड ऑल दैट नॉट लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट इट बट हम लोग बहुत इतने बार हम लोग ये वीक मिले थे ना कि लास्ट वीक मिले थे मतलब हम लोग इतने बार मिले 4 दिन पहले ही मिले थे उसके बाद बहुत काम हो गया तो भूल गए हाँ तो हम लोग अभी अभी मिले थे तो हम लोग इस चीज के बारे में बात करते रहते हैं अबाउट कमेंट सेक्शन एंग्जाइटी होती रहती है जो कभी कभी ऑडियंस को नहीं समझता बट क्या करे इट्स लाइक दिस ओनली द प्रोफेशन इज लाइक दिस ओनली। ओके मुझे तुम लोग को ये पूछना है ये तो पूछना ही पड़ेगा स्लीप ऑन आया मतलब विनोद के बारे में हम लोग कैसे बात नहीं करें we have to talk about it we have to make Vinod alive again I bet tum logo you know aate hum logo aise comments comment section mein aata hai please bring back Vinod please start Vinod again let's all do Vinod again aisa sab aata hai and I'm just like bro how it's a phenomenon that happens how will we do it again ha wo aisa hai ki audience bore ho rahi hai to unko kuch to spam karna hai kuch to karna hai kuch kaam chahiye unko तो उनको बस चाहिए कि विनोद वापस आ जाए बट वो वापस क्रिएट हो ही नहीं सकता इतना रेयर और समथिंग जो हमने बोला भी नहीं था कि वो खुद हुआ वैसी चीजें बार बार नहीं होती ना। अब बच्चे ही है जिनको बहुत विनोद विनोद का वो पता नहीं उनको एक ही चीज ऐसे याद हो जाती है हर वीडियो पे अभी भी बच्चे है जो ऐसे एक साथ 20 कमेंट विनोद स्पैम करते हैं अभी भी लाइव स्ट्रीम्स में विनोद ही स्पैम होता है कोई भी लाइव स्ट्रीम हो दुनिया का उनको बिलीव नहीं होता अभी तक कैसे चल रहा है बट पीपल डोंट नो अस पूरा विनोद का मामला ये है ना कि विनोद सब लोग जानते हैं कोई ये नहीं जानता कि वो स्लीप पॉइंट से शुरू हुआ बहुत टाइम के लिए मुझे भी नहीं मालूम था ये चीज जब मुझे तुम लोग ने जब स्टोरी वोरी डाला था तब मैं देखता था कि तुम लोग विनोद के बारे में बहुत शेयर कर रहे हो ऑल दैट मैं सोच रहा था ये लोग क्यों शेयर कर रहे हैं विनोद के बारे में बाद में जाके यू नो आई एम टेलिंग यू लाइक आफ्टर 10 डेज और समथिंग मेरे को समझा कि तुम लोग ने विनोद की शुरुआत मतलब तुम लोग के वीडियो से शुरुआत हुई थी विनोद की हां वही हम लोगों ने इसीलिए इतना स्टोरी डाल रहे थे हम लोग की दूसरे कंपनीज विनोद के नाम से मर्ज बनाने लगे सारे मीम पेजेस ने अपना नाम में विनोद कर दिया तो एवरीबडी थॉट कि वहां से कुछ शुरू हुआ है तो ऑल द ट्रैफिक वाज गोइंग टू अदर मीम पेजेस और अदर कंपनीज एंड हमारे सारे सब्सक्राइबर हमें भेज रहे कि ये मर्ज आपने निकाला क्या ये टी शर्ट आपका है क्या ये है क्या वो है क्या एंड लाइक इसमें से कुछ भी हमारा नहीं है ब्रो हमें क्या अभी खुद का चालू करना पड़ेगा तो लास्ट मिनट हमने लाइक 5 दिन में अपना खुद का भी क्वालिटी बहुत अच्छा क्वालिटी का मर्च लाइन निकाला बट हम लोग मर्च को प्रमोट भी ठीक से करना भूल गए और मर्च भी हमारा काइंड ऑफ लॉस नहीं गया तो विनोद का पूरा जो थिंग था ना फ्रॉम द आउटसाइड ऐसे बहुत अच्छा दिख रहा था कि वाओ स्लीप पॉइंट का वायरल हो गया ये वो बट ऐसे तो हमारा वो पीरियड में बहुत लॉस ही हुआ है बस वो विनोद स्टार्टेड हियर नहीं नहीं मेरे पास है मेरे पास टी शर्ट है तूने हमने तुझे फ्री में भेजा भाई इसीलिए लॉस हुआ तुम दोनों को पूछा रही क्वेश्चन कि जो भी वीडियोस बनाने में कैसे प्रोसेस क्या होती है तुम लोग की क्योंकि तुम दोनों काम करते हैं ना वीडियोस पे तो थोड़ा सा एक्चुअली एंजाइटी या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं एज अ क्रिएटर व्हिचएवर यू फेस वो भी स्प्लिट होते होंगे ना नहीं एक्चुअली मैं बल्क हाँ मतलब हम दोनों को होता है बट इन डिफरेंट वेज कुछ चीजें हैं जो मुझे अफेक्ट नहीं करती गौतमी को अफेक्ट करती है कुछ चीजें जो उसको अफेक्ट करती है मुझे नहीं करती तो मुझे जनरल ऑडियंस का हेट और वो सब अफेक्ट नहीं करता मुझे अगर कोई फ्रेंड है और वो मेरे बारे में बकवास कर रहा है तो वो मुझे ज्यादा अफेक्ट करता है हाँ गौतमी को ड्रामा ज्यादा अफेक्ट करता है कि कोई यूट्यूबर या कोई नोन उसके बारे में क्या बोल दिया उसका वो थोड़ा जोन है और सबका ऐसे डिवाइड हो जाता है बट वीडियो बनाने के पहले समहाउ हम सब भूल जाते हैं क्योंकि अगर ये सब के बारे में सोचते रहेंगे तो वी नो कि फिर कॉन्टेंट अफेक्ट होता है तो वीडियो बनाने से पहले हम बस फोकस करते हैं कि हमें क्या बनाना है हम किस चीज में अच्छा कर सकते हैं लोग किस बारे में बात कर रहे हैं और बस वी गो विद दैट ज्यादा हम सोचते नहीं कि इसके बारे में क्या होगा क्या बोलेंगे लोग वो बाद में आता है जब एडिट टेबल पे बैठ जाते हैं तब दिमाग चलता है कि अरे इसमें क्या बोलेंगे लोग उसमें क्या बोलेंगे बट आइडिएशन स्टेज में हम उतना एंजाइटी को कंसीडर नहीं करते ज्यादा व्हाट डू यू फील अबाउट दिस थिंग कि पीपल एक्सपेक्ट लाइक यू अभी तुम लोग का जो लेटेस्ट वीडियो है दैट इज लाइक रियली फनी आई मस्ट से सो अगला वाला जो वीडियो होगा व्हाट इज योर दिस कि हाउ डू यू
make that video funnier than that, or do you not think about this? तो हमारा क्या है कि हर एक वीडियो का टॉपिक इतना अलग होता है ना, मतलब एक दिन अगर हम लोग वियर्ड रेसिपीज की बात कर रहे हैं और एक दिन हम लोग एकदम पूरा स्केच स्टाइल इंस्टाग्राम रील्स का वो रोज थिंग बना रहे हैं, या मतलब एवरी सिंगल, और या फिर फेसबुक वीडियोज के बारे में बात कर रहे हैं. तो दीज आर ऑल थ्री थिंग्स दैट आर कम्प्लीटली डिफरेंट, जिसके जोक स्टाइल्स, जिसका अप्रोच सेम हो ही नहीं सकता है. तो हम लोग कंपेयर ही नहीं कर सकते दो वीडियोज को कि ये इससे ज्यादा फनी किस वे में होगा, अलग वे में ही होगा. और वो ऑडियंस एक्सपेक्ट्स ह्यूमर हर चीज का सेम नहीं होता ना, बिकॉज देख जैसे फूड का टॉपिक हो गया, उसपे सब लोग देख सकते हैं, उसपे हमारी दादी भी देख सकती है क्योंकि उनको वो भी सरप्राइज करेगा. बट फेसबुक पे कौन सी क्रिंज वीडियोस है वो वाला कौन समझेगा, जो हम जैसे लोग हैं हु केयर अबाउट वीडियोस एंड वीडियो क्वालिटी और कि ये कैसी वीडियो बनाती है एंड ऑल दैट टाइप ऑफ स्टफ. हर चीज का ऑडियंस इतना अलग है कि one thing cannot be funnier than other for the exact same person. But I'll tell you one thing, but audience expects now, what about this, matlab tum log ko bhi, mujhe to ye bahut cheez affect hoti hai, and iske bare mein main alag podcast bhi banaunga jisme mujhe baat karni hai iske bare mein. Audience bolti rehti hai ki are ye to unfunny ho gaya hai, are ye to badal gaya hai, immediately like pichla video acha rehne de, next video mere ye to badal gaya hai, iske sath deal kaise kare ab hum khud ko question nahi karte sir. Haan ye to hota hi rehta hai, but isse deal karne ka wahi hai ki audience kai baar na bhool jati hai ki hum bhi humans hain. Kai youtubers ko मशीन जैसा देखा जाता है, एंड वो अंडरस्टैंडेबल है. जब मैं भी किसी यूट्यूबर को देखता हूँ, मुझे भी, क्योंकि मुझे अपने एंटरटेनमेंट की पड़ी है, मैं थोड़ी ना सोच रहा हूँ वो मेहनत कर रहा है क्या, मुझे आज मेरा एक घंटा मस्त निकालना है तो मुझे इसका वीडियो चाहिए, या आधा घंटा, दस मिनट, जो भी. तो वो मशीन वाली पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं कि हाँ ये तो बस मुझे एंटरटेनमेंट चाहिए, देगा. और फिर वो नहीं मिलता, तुम वेट कर रहे हो दो हफ्ते किसी के उस एंटरटेनमेंट के लिए, फिर वो नहीं मिला तो वो लैश आउट करते ही. तो वो उनकी साइकोलॉजी थोड़ी अगर समझते हैं हम लोग, और फिर लगता है कि हाँ यार ठीक है, बस उतना गुस्सा नहीं है जितना दिखा रहे हैं. बट हाँ, कई बार अफेक्ट करता है, बट आई एम श्योर दे डोंट मीन इट उतना वे में कि तुम तो खत्म ही हो गए. व्हेन दे राइट इट, दे जस्ट वांट टू शो कि तुम, दे आर डिसअपॉइंटेड, बस उतना ही बोलना चाहते हैं. एक्चुअली वो जो पब्लिक का एक ओपिनियन है कि यूट्यूबर्स वेले ही है, दे हैव नथिंग एल्स टू डू, बस ये वीडियो पे ही काम करते हैं और कुछ तो उनको सोचना भी नहीं पड़ता. सुबह शूट करते हैं, दो घंटे एडिट करते हैं, डाल देते हैं, तो फिर इतना 2 weeks क्यों लग रहा है वीडियो के लिए, 3 weeks क्यों लग रहा है उनको. वो कितना भी अगर वो देख भी रहे हैं वीडियो के अंदर ही 10 बार कपड़े बदले जा रहे हैं, दिन अलग दिख रहा है, आवर्स अलग दिख रहे हैं, स्टिल आई डोंट नो हाउ दे जस्ट फील लाइक एवरीथिंग हैज हैपेंड इन वन डे. तुझे मतलब तू गौतम तुझे बोलना क्या, तुम लोग का वीडियो 10 मिनट का होता है तो वो 10 मिनट में नहीं बनता तुम लोग का वीडियो? अरे क्या, ऐसे थोड़ी होता है, 5 मिनट में बनता है. 2 मिनट में मैगी नूडल जैसे बनता है भाई. सो और एक क्वेश्चन था मेरा कि मतलब तुम लोग तो एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स हो, राइट, और मैं गेमिंग क्रिएटर हूँ, तो तुम लोग ने ऐसा गेमिंग में डाल के हमारा धंधा ऐसा कम करने का क्यों सोचा स्लीप ऑफ के साथ? क्योंकि तुम लोग हमारा धंधा खा रहे थे भाई, सब सब गेमिंग ही देख रहे हैं, सब गेमिंग ही देख रहे हैं. हाँ. तो हमें एंटरटेनमेंट से थोड़ा आना ही पड़ा गेमिंग में, और तुम लोग का धंधा बहुत बड़ा है भाई, हमें थोड़ा धंधा दे भी दोगे तो तुम लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. बट आई फील अभ्युदय, मैंने अभ्युदय से बात किया था तभी मुझे मालूम था कि उसने बहुत सारे गेम्स वगैरह खेले हैं, मुझसे भी ज्यादा खेले प्रोबेबली, आई डोंट नो. So, तुझे गेमिंग पसंद है ना? हाँ, मैं तो बहुत सालों से, मैं PS2 मेरा फर्स्ट कंसोल था और तब से मैं खेल ही रहा हूँ. एग्जैक्टली, तो इट मेक्स सेंस. जो भी मेन बड़े गेम्स आते हैं, हाँ. वो शौक था गेमिंग का हमेशा से, बट कभी ये लगा नहीं था कि गेमिंग का चैनल खोलना है, क्योंकि वो सिर्फ एंजॉयमेंट की तरह दिखते थे. अभी ऐसा है कि अभी भी हम लोग इतना खास मतलब गेमर्स तो बिल्कुल भी नहीं है. जो भी मेन स्ट्रीम गेम है वो भी हम लोग ने कोई ट्राई किए नहीं है अभी तक ज्यादा. उसी में तो मजा आता है. अभी अभ्युदय को मुझे मालूम है कि क्रिकेट बहुत पसंद है, तो तुम लोगों को क्रिकेट, क्रिकेट कोई नहीं खेलता है इसमें यूट्यूब पे, कोई भी नहीं खेलता, पर तुम लोग डालते हो, फिर उस पे व्यूज देखो कितना आता है. क्यों आता है? क्योंकि तुम लोग वो खेलने में एंजॉय करते हो, एंड यू पोस्ट लाइक व्हाट, वंस इन 2 वीक्स और समथिंग, या फिर कभी कभी तो आई थिंक 1 महीने में एक वीडियो गया तुम लोग का गेमिंग चैनल पे, एंड उसको भी अच्छा व्यूज आया बिकॉज यू हैव एंजॉयड इट. एक्चुअली हमारा गेमिंग चैनल का पॉइंट ही है, क्योंकि स्लेप पॉइंट पे ऑलवेज देयर सो मच प्रेशर कि अच्छा बनाना, अच्छा बनाना, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो स्लेप पॉप पे हम उसको लाइटली ही लेते हैं कि चलो कुछ डिफरेंट जिसमें हमें मजा आए, जो उतना एफर्ट ना हो, और जहां हम खुल के कुछ भी बोल सकते हैं. अगर लेप जोक मारा तो मारा, लोगों को कुछ भी लगने दो, हम वहाँ फ्रीडम से करेंगे जो भी करना है. एंड दैट्स व्हाट वी ट्राई टू डू जब हम टॉपिक भी सिलेक्ट कर रहे हैं, गेम सिलेक्ट कर रहे हैं फॉर स्लेप पॉप, की एंजॉयमेंट रहनी चाहिए. क्योंकि स्लेप पॉइंट पे कभी कभी एंजॉयमेंट कम हो जाता है, इतना प्रेशर का सोचते हो, व्यूज एंड ये सब का सोचने लगते हो. स्लेप पॉप इज जस्ट एंजॉयमेंट. लोगों को पसंद नहीं आया तो भी चलेगा, उधर हम लोगों को सब चलता है. हमने लिख दिया है वो सेकंड चैनल फॉर थर्ड क्लास कंटेंट, इफ यू वांट टू सी, चैनल मत देखो नो. चैनल बैनर पे डाल दिया हमने थर्ड क्लास कंटेंट, अब देखना है तो देखो वरना मत देखो, हम बस टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे. अभी तुम लोग का फर्स्ट चैनल है स्लेप पॉइंट, दूसरा चैनल है स्लेप पॉप, थर्ड चैनल भी स्ले शॉर्ट्स भी है. शॉर्ट्स ही ना, स्ले शॉर्ट्स ही ना. हां, सो दैट्स अ गुड थिंग. मतलब अलग-अलग चैनल, वो डाइवर्सिफाई करना पड़ता है एक पॉइंट के बाद.
हाँ स्ले शॉर्ट्स तो ऐसी है, मतलब हम एक्चुअली शॉर्ट्स नहीं बना रहे, एक्चुअली वो टिकटॉक ट्रेंड्स और ये सब नहीं कर रहे, हमारे स्ले पॉइंट के वीडियो के ही स्निपेट्स होते हैं, तो वो एक्चुअली शॉर्ट्स चैनल तो नहीं है, वो बस शॉर्ट्स में अब इतना ज्यादा पुश कर रहे हैं ना सारे प्लेटफॉर्म शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करने के लिए कि सोचा कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है, अभी तो खास फायदा हो नहीं रहा कुछ। नहीं बट तुम लोग को लाइक डर रहता है ऐसा कि अभी अगला वीडियो का आइडिया आएगा कि नहीं आएगा मन में? हम लोग एक्चुअली टॉपिक का लिस्ट बना के रखते हैं, हमारे पास बहुत बड़ा लिस्ट है टॉपिक्स का, और फिर हर वीक नया कुछ ना कुछ आता ही है, नया कोई ना कोई ट्रेंड, कोई ना कोई चीज, और पता नहीं हमारा लक ऐसा है या क्या है, बट हम लोग बहुत टाइम पास करते साथ में, मैं और अभ्युदय, और हम लोग बहुत अजीबोगरीब वीडियोस देखते हैं वैसे भी, इसी में ढूंढते ढूंढते हमें ऐसी ऐसी चीजें मिल जाती है ना, उसमें हम लोग खुद ही देख देख के हंस के पागल हो जाते हैं, फिर मिल जाता है बहुत यूनिक टॉपिक। हाँ, डर वो नहीं होता कि टॉपिक मिलेगा नहीं, डर वो होता है कि ऑडियंस को इसमें पॉइंट लगेगा कि नहीं, या हमें पॉइंटलेस लगेगा। क्योंकि ऐसे जैसे कई बार टॉपिक्स होते हैं जो हम शुरू करते हैं बनाना, और फिर मिड वे लगता है कि यार ये तो ऐसे ही है, ये उतना रोस्ट वर्दी है नहीं, इसका क्या मजाक उड़ा है, इतना खराब नहीं है, उसका डर लगता है। क्योंकि उस पॉइंट पे फिर आप थोड़ा रिसर्च कर चुके हो, थोड़ी आइडिएशन कर चुके हो, और फिर उस टॉपिक को छोड़ना वो और नया स्टार्ट करना। I'm talking about half video is ready. I'm not talking about लिखा हुआ video. Short video scrap किया? शॉर्ट वीडियो मैंने अभी ये नहीं, मैंने दो शॉर्ट वीडियो स्क्रैप कर दिए, मेरे को मन नहीं हो रहा था वो डालने का। मन नहीं हो रहा था, ऐसे क्या हुआ आई कुछ? जस्ट फेल्ट दैट आई कैन डू बेटर इन दैट वीडियो, मतलब GTA के ही वीडियोस थे ऐसे कुछ तो था, और मुझे लगा कि यार मैं थोड़ा सा लो लग रहा हूँ एनर्जी पे, तो मैंने वो स्क्रैप कर दिया। हाँ हमने गेमिंग वीडियो स्क्रैप किए हैं। अरे हाँ मेरा मेरा सिंपल है स्क्रैप करने का, मेरा मेथड भी बहुत बहुत अच्छा मेथड है। क्या करने का, फाइल पे जाने का, बुरा लगता है ना क्योंकि स्क्रैप करने से पहले यू हैव लाइक मल्टीपल थॉट्स हाँ। कि डूड इसका मैं बाद में बनाऊं क्या, अभी मैं जब मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं होगा डालने का तभी डालू क्या, ऐसे कर कुछ नहीं करने का, जाने का फाइल पे क्लिक करने का, शिफ्ट डिलीट परमानेंट खत्म। आफ्टर दैट 5 सेकंड के लगता है कि डूड क्या कर दिया मैंने, खत्म हो गई वो फाइल, आई एम नेवर गोना गेट दैट फाइल अगेन। बट लाइक दैट्स हाउ आई जस्ट स्क्रैप वीडियोस व्हिच आई एम लाइक नहीं ये डालना ही नहीं है। एक बार सोच लिया है वर्थलेस है तो है, क्योंकि अगर थोड़ा भी उसमें वैल्यू होता तो इंस्टेड ऑफ 7-8 मिनट का कंटेंट उन्हें 3-4 मिनट का तो निकाल ही लिया होता, अगर उतना भी नहीं निकल पा रहा है तो डिलीट तो करना ही चाहिए फिर। हाँ, तुम लोग अपने वीडियोस कितने बार देखते हो अपलोड के बाद? मैं एक बार देखती हूँ। जीरो जीरो सीरियसली? हाँ मैं से देखा ही नहीं जाता, मैं एडिट में 100 बार देख चुका हूँ। मुझे जब अपलोड हो रही होती है ना, मुझे इतनी नफरत हो रही होती है उस वीडियो से क्यों? कि मैं उसके बाद कभी नहीं खोलता। अरे इतनी बार देख लो, इतनी बार देख लो, कुछ फनी नहीं लगता, कुछ एंटरटेनिंग नहीं लगता, सब घटिया लगता है कि ये क्या बोल रहा हूँ मैं। बट फिर व्यूज कैसे आता है? अभी दिस इज द आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज बिकॉज़ दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस टू मी, दैट्स व्हाई आई एम टॉक अबाउट दिस। मैं तो रेडी रहता हूँ हर वीडियो कैंसिल करने के लिए, ये बकवास है, डरते ही नहीं। पर फिर गौतमी आती है अपने फ्रेश माइंड सेट से, क्योंकि उसने वीडियो उतनी बार नहीं देखा होता एडिटिंग के टाइम, तो वो फिर क्लियरली बता पाती है कि अच्छा है क्या नहीं। ये मुझे हर बार कॉल करता है कि वीडियो बहुत बुरी बन रही है, प्लीज यहाँ पे आ जा और इसको बचा ले वरना मैं डिलीट कर दूंगा, और मैं आके देखती हूँ, मैं हंसती हूँ कि ये तो अच्छी बनी है। उसके बाद ये मुझे 10 बार दिखाता है, फिर मुझे भी हंसी नहीं आती और हम दोनों ऐसे लॉस्ट बैठे होते हैं वहां पे, क्योंकि हमें लगता है एडिटिंग में मोस्टली 3 पूरे दिन एटलीस्ट, और 1-2 वीडियोज है उसमें तो 6 दिन भी लगाए हमने एडिट करने में, तो इफ 6 डेज यू आर वॉचिंग इट लाइक 100 टाइम्स इन अ डे, तो हे भगवान, एक एक लाइन एक एक साउंड इफेक्ट याद हो जाता है। मेरे घर पे बाद में अपलोड के बाद मम्मी देख रही होती है ना, मुझे दूसरे रूम से आवाज आता है तो ही मेरे को गुस्सा आ जाता है कि बंद करो, मेरे को नहीं सुनना है, बंद करो ये वीडियो करना। मेरा कैसा कि मैं अगर वीडियो को नहीं देखा ना तो मेरा ऐसा है कि वो वीडियो नहीं चलेगी। अगर मैं मेरे जो भी वीडियोस एकदम टॉप पे है ना, आई एम टॉकिंग लाइक 10 मिलियन व्यूज 15 मिलियन व्यूज, वो वीडियोस को मैं सच बता रहा हूँ, वो वीडियोस को एटलीस्ट 15 बार खुद देखा है आफ्टर अपलोड, बिकॉज आई एंजॉयड इट अ लॉट। ऐसी तो हमारी कोई वीडियो नहीं है जो मैंने देखा 15 बार, तो बिल्कुल तुम लोग का US व्लॉग मैंने खुद 4 बार देखा है। अरे है ना वो 12 मिलियन या 13 मिलियन पे? हाँ 2-3 तेरे ही है क्या मिलियन? सुनिए ये चीज अच्छी है क्योंकि मैं खुद रिलेट कर पाता हूँ इस चीज के साथ। सो ऐसा नहीं है कि अभ्युदय कैसे अभी बोल रहा था कि एडिटिंग के वक्त उसको भी लगता है वीडियो गंदा, सेम मेरे साथ होता है कि आई एम लाइक गंदा है अभी क्या करूँ, फिर कभी अपलोड करने का कभी लगता है कि ठीक है चलो, ऐसा तो होता है। बिकॉज यू आर सेइंग दैट यू फाइंड योर वीडियोस कभी कभी वियर्ड व्हाइल एडिटिंग एंड ऑल, बट फिर ऑडियंस को कैसे पसंद आता है? लाइक योर व्यूज आई वुड से एक्सपोनेंशियल बढ़ते जा रहे हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, टच वुड, बट ऐसे कैसे हो रहा है? मैं थोड़ा कंफ्यूज। नहीं एक्चुअली हमें वीडियो पसंद आती है टिल वी स्टार्ट शूटिंग, तो आई थिंक उसी ऑडियंस भी तो पहली बार देख रही है ना वीडियो, वो हमारी तरह 100 बार देख के नहीं डिसाइड कर रही होती कि क्या अच्छा है क्या नहीं, तो आई थिंक फर्स्ट टाइम व्यूइंग के लिए हमारी वीडियो ठीक होती है। अगर कोई बंदा 100 बार देख ले तो बहुत बकवास है। अरे तो वो तो कोई भी जोक 100 बार बोलो तो 100 बार हंसी नहीं आएगी। एग्जैक्टली अपना जो मनाली का व्लॉग है ना मेरे चैनल पे जो गया है, वो व्लॉग मैंने खुद देखा है, सच्ची देखा 15 बार, और वो एंड में जब मैं अभी देखो स्नो के अंदर डालता हूँ ना, कितनी बार देखा है वो सीन मैंने। ओहो मैं तो नहीं यार, मैं हम लोग व्लॉग भी इसी सोच से बनाए थे कि
एटलीस्ट इवन इफ पीपल डोंट लाइक इट, हमारे पास तो होगा हमारे इतने मस्त ट्रिप्स का कि हम लोग लुक बैक करेंगे मेमोरीज की तरह, पर हमने नहीं देखा है। सो एंडिंग थॉट्स, क्योंकि बाय द वे पॉडकास्ट थोड़ा ऐसा दिल वाला पॉडकास्ट है, मतलब तुम लोग, मैं मेरा पर्पस टू स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इज मुझे मेरे दिल की बातें बोलनी है ऑडियंस को, जो मैं वीडियोस में नहीं बोल पाता, तो ऐसी कुछ चीजें तुम लोग को बोलनी है कुछ भी? मैं तो यही बोलूंगी कि चिल करो यार, इतना सीरियसली मत लो, ये सब बस एक यूट्यूब वीडियो है। अगर तुम्हें कोई वीडियो पसंद नहीं है तो भी चिल करो, बहुत ज्यादा पसंद है तो भी चिल करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसा मास्टरपीस ये वो सब तारीफ करने की, कोई जरूरत नहीं है ये भी बोलने की कि तुम लोग खत्म हो गए, ये हो गया वो गया। इट्स जस्ट अ यूट्यूब वीडियो, इट्स जस्ट अ यूट्यूब चैनल। एंड ऑफ द डे तुम लोगों को एक से बोला जाते हो तो तुम लोग खुद ही दूसरे पे इतना इजिली स्किप करते हो, तुम लोगों को भी पता है। तो हम लोगों को इतना हार्श बोल के, हम लोगों को इतना हर्ट मत किया करो, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ। बिकॉज वो लोगों को नहीं समझता है, वो लोगों को कमेंट लिखते टाइम वो लोग हार्शेस्ट लैंग्वेज पॉसिबल में लिखते हैं कि अगर इन्होंने पढ़ लिया तो इनको समझ में आना चाहिए, बट द मिनट यू रिप्लाई उनको इतना रिग्रेट होता है वो बुरी लैंग्वेज यूज करने का, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब उनको लगता है कि ओ बाप रे एक इंसान ने सुन ली मैंने जो बात बोली, और फिर उनको लगता है कि तब तक तो वही सोच रहे थे ना कि एक एंटरटेनमेंट मशीन ने मुझे कुछ दिया है, इसका अमेज़न पे फीडबैक लिख देता हूँ कि गंदा था ये। बाय द वे दिस ये जो अभी ने जो मशीन की बात की ना, दिस इज द सेम word I had in my mind all, I don't know, अभी तो हमने discuss किया क्या इसके बारे में, machine and all that, नहीं ना? नहीं नहीं कभी। मेरा एक podcast आने वाला है इसके बारे में, YouTubers are not machine, ये podcast मैंने सोचा है, इसके बारे में बात करनी है, so, सही है, बुला ले अभी। Do you know, to this only thing, but मेरा थोड़ा इस पे मिक्स्ड ओपिनियन है, बट मुझे एक नया पर्सपेक्टिव मिला इस चीज पे, क्योंकि मैं ना हर वीडियो का एकदम परफेक्शन के लिए मैं चेज करता था कि नहीं मेरे को कैप्शन भी परफेक्ट चाहिए, मेरे को वीडियो का ये जूम इन जूम आउट सब कुछ एकदम परफेक्ट परफेक्ट चाहिए, हर जगह पे म्यूजिक एकदम परफेक्ट चाहिए एंड ऑल दैट। ओके, उसपे क्या होता है, ठीक है वी कैन मेक ऑल दैट, पर उसमें थोड़ा मेंटल ये हो जाता है यार, इतना इजी नहीं होता कि हम लोग एडिट करते ना, बहुत मेंटल स्ट्रेस होता है उसमें। कितना भी तो एंजॉय करो एडिटिंग का प्रोसेस एंड ऑल दैट होता ही है। दैट डे व्हेन आई वाज शूटिंग विद पंकज सर, पंकज त्रिपाठी सर, हमारा पूरा शूट 20 मिनट में खत्म हुआ। ओके, 20 मिनट में खत्म हुआ, मुझे टाइम पहले बोला था 3 घंटा या 2 घंटा, शूट खत्म हुआ 20 मिनट में, एंड इट वॉज गुड डिसेंट शूट। There was a time where we had to take some retake or something, and we were like, ये है नहीं है, आया है शॉट नहीं आया शॉट, ऐसा कुछ तो चालू था। That's when Pankaj sir said this one thing that YouTube पे जा रहा है ना, this is not going on like ये मतलब ये सिनेमा में वगैरह रिलीज नहीं हो रहा। So वो सिनेमा में वगैरह रिलीज होने वाली चीजें थोड़ी बहुत ही अलग होती है, एंड YouTube पे कैसे होता है, everything is controlled by an algorithm. So ऐसा नहीं है कि तुम लोग कितना भी perfection से चीजें करो, it is going to stay there. बट अपना जो मेंटल प्रेशर होता है ना, उसके से अगला वीडियो में हम लोग ये नहीं कर पाते, परफॉर्म नहीं कर पाते। सो आई फील देयर शुड बी अ बैलेंस, एंड दैट गिव मी अ न्यू पर्सपेक्टिव, बिकॉज़ आई वाज ओनली चेजिंग परफेक्शन इन एवरी वीडियो, एंड आई एम नॉट सेइंग दैट इसके वजह से मैं वीडियोस की क्वालिटी रिड्यूस करूंगा बिकॉज़ ऑफ व्हाट ही सेड। इट डिपेंड्स कि परफेक्शन तो किसके लिए कर रहा है, एक होता है कि परफेक्शन इसलिए करना है तेरे को क्योंकि ऑडियंस को खुश करना है, वो गलत है। एक होता है परफेक्शन की तेरे को खुद को खुश करना है, खुद को मजा आता है कि हाँ मेरी वीडियो परफेक्ट बनी है एज पर मी, वो वाला परफेक्शन पॉजिटिव है। ऑडियंस के लिए अगर सिर्फ ऑडियंस के लिए परफेक्शन करना है तो वो बहुत टॉक्सिक है, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा गलती निकालेगा और फिर वो हर्ट करेगा कि यार मैंने तो परफेक्ट बनाई थी फिर भी ये हेट कर रहा है। या तो उस तो तभी मुझे मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव मिला कि इट्स राइट, वी आर नॉट रिलीजिंग दिस एट अ ब्लॉकबस्टर सिनेमा और समथिंग, इट इज अ यूट्यूब वीडियो। सो व्हाट इज गोना हैपन इज हम लोग कितना भी उसको परफेक्ट बनाए कुछ भी करें, देयर इज अ बिग फैक्टर ऑफ द एल्गोरिथम। बहुत सारे वीडियोस पोस्ट होते रहते हैं, मैं जितना मुझे याद है 1 मिनट में यूट्यूब पे 300 घंटे का कंटेंट पोस्ट होता है 1 मिनट में। सो अपना वीडियो कहाँ पे रहेगा, क्या होगा, वी डोंट नो। सो टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ आल्सो एंड प्लस मेक गुड क्वालिटी वीडियोस। हम सबका यूट्यूब की तरफ यही पर्सपेक्टिव है, अपन पूरा दिन अपना लाइफ जीते हैं, फिर एंड ऑफ द डे जब फ्री होते हैं तो खाली 10 मिनट के एक या दो वीडियोस देखने हम लोग चिल करने यूट्यूब पे आते हैं चले जाते हैं। लाइफ में दूसरे लोगों कॉमन ऑडियंस के लाइफ में यूट्यूब का इतना सा ही वैल्यू है, तो खुद को भी वो याद दिलाना पड़ता है कि फॉर देम इट्स अ कैजुअल वॉचिंग एक्सपीरियंस। वो ऐसा नहीं है कि तुम्हारा कोई ऑस्कर वाला बिल्कुल रेपुटेशन है और वो लोग बिल्कुल सालों से लाइन में लग के टिकट लेके पैसे दे के सिनेमा में बैठे हैं, सीट एकदम चूज करके ट्रेलर वेलर देख के हाइप होके, ऐसा नहीं है। ऑफकोर्स दे लव यू, दे आर वेरी हाइप हमारे वीडियोज को लेके, एक्साइटमेंट रहती है बहुत सारे लोगों में, बट है डिफरेंस है, दैट्स ऑल आई एम सेइंग। So that's it for the podcast. हाँ, तो guys यही पर हमारा podcast खत्म होता है, मतलब मेरा नहीं मिस्पर का और ये podcast को वो heart होता है Spotify पे, उससे like भी कर दो और लाइक और फॉलो कर दो मिथपैट का ये नया podcast, ऐसे बहुत सारी दिल की बातें आपको पता चलेगी। यस, बहुत सारी किसकी किसकी
Yeah, and thank you so much. You both agreed for the podcast. Thank you so much. Really, thank you so much. So, आप सुन रहे थे The Mythpad Podcast, a Spotify original, produced by Offspin Media Friends. अगर आपको ये episode पसंद आया होगा, तो main show page पे जाके नीचे जो follow का button दिख रहा है, उस पे click कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ इस podcast को share कीजिए, क्योंकि हर Tuesday को एक नया episode आने वाला है, और ये podcast को support कीजिए ताकि ये podcast हो जाए the number one podcast. और अभी मैं निकलता हूँ, मैं मिलता हूँ तुम लोग से अगले हफ्ते, तब तक के लिए बाय बाय. आप सुन रहे थे द मिथपैड पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल, प्रोड्यूस्ड बाय ऑफस्पिन मीडिया फ्रेंड्स, को प्रोड्यूस्ड बाय ओपरा एफएक्स. फॉलो बटन दबाइए और सुनिए एक नया एपिसोड हर ट्यूसडे.